गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रिजोल्यूशन में गार्नर वर्सेस मुरे की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार स्टडी कर लें। थिन सॉट एंड फैट वर इन पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। ऑन 30 सितंबर 2012 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तीनों की कैपिटल दे रखी है, तीनों की करंट दे रखा है। करंट अकाउंट देने का मतलब ये है कि इनके पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ये लोग। इसके बाद दे डिसाइड, थिन डिसाइड टू रिटायर ऑन 30 सितंबर एंड एज फैट अपीयर्स टू बी सॉर्ट ऑफ प्राइवेट एसेट्स, सॉर्ट डिसाइड दैट ही डज नॉट वांट टू विश टू टेक ओवर थिन शेयर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो ऑल थ्री पार्टनर डिसाइड टू रिजॉल्व द पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2012। इट देन ट्रांसपायर्स दैट फैट हैज नो प्राइवेट एसेट्स। ओके, बाद में ये पता चला कि फैट के पास कोई एसेट्स है ही नहीं। द प्रमिसेस वर सोल्ड फॉर इतना, प्लांट फॉर इतना, फिक्स्चर्स इतना, स्टॉक एक्वायर्ड बाय अनदर फर्म एट इतना, डेटर इतना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतना, बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिस्चार्ज एंड क्रेडिटर आर ऑल्सो पेड इन फुल। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है। बस पार्टनर्स की जो डिसोल्यूशन की सिंपल फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें कंप्लीट करिए, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उस पर गार्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाई कर दीजिए। चलिए सो शुरू करते हैं। जो डिसोल्यूशन का सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि आप पहले पूरी बैलेंस शीट को रिस्पेक्टिव जगह ट्रांसफर कर दें। ये सबसे फंडामेंटल रूल है। तीन पार्टनर हैं, और एक अकाउंट आपका बनेगा के? पूरी बैलेंस शीट पहले ट्रांसफर करें। सबसे फंडामेंटल रूल, प्रीमिसेस, फिक्स्चर्स, प्लांट, स्टॉक एंड डेटर। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में चले जाएंगे, प्रीमिसेस, फिक्स्चर्स, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, वैल्यूज लिख लें। मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। प्लांट इतने का होना चाहिए, और फिक्स्चर्स होने चाहिए इतने का। नॉर्मली ऐसे ही होता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, और अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए वैल्यूज लिख दें, 50,000, 32,500, 1,25,000, 43,200, 54,780। ठीक है, देखिए और कोई चेंज नहीं। यस, अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट हैं, इनके बैलेंस इनके ट्रांसफर कर दीजिए। पार्टनर्स का जो नाम है वो थिन, शॉर्ट, फैट। थिन, शॉर्ट, फैट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएंगे 80,000, 50,000, 20,000, 80,000,
50,000, 20,000। जो करंट अकाउंट्स हैं उनको भी कैपिटल में ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि जब डिसोल्यूशन होना है तो करंट अकाउंट को अलग से रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। चौदह हज़ार पाँच सौ, ठीक है जी। अब देखिए क्रेडिटर हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, तो क्रेडिटर आपके रियलाइजेशन में चले जाएंगे। हाउ मच? 84,650। और बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक में क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कितना? 44,330। पूरी बैलेंस शीट हमने ट्रांसफर कर दी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। प्रीमिसेस हमने बेचे 60,000 के, प्लांट बेचा 107,500 का, फिक्स्चर से 20,000 और स्टॉक 5% कम है। बाय बैंक, प्रीमिसेस से हमें 60,000 आए, प्लांट से हमें 107,500 आए, फिक्स्चर से हमको कितने आए? 20,000 आए। स्टॉक 43,200 का था, इसमें 5% कम कर दें तो 2160 कम हो जाएंगे, तो 41,040 आ जाएंगे। ओके, डेटर से कितना? डेटर हमें 45,900 पूरे रियलाइज हो गए। इसका टोटल करें ये आएगा 274,440। सो 2, ठीक है जी। ओके, अब क्रेडिटर में जाएं। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 4,500 और क्रेडिटर को हमने पूरा पे किया। एट फोर सिक्स फाइव जीरो, ठीक है। अब और देखें, और कोई बैलेंस रहता है? कुछ भी नहीं। चलिए टोटल करें इसका, ये आएगा 394,630, 394,630। इस तरफ का टोटल आएगा बैलेंस जो है, रियलाइजेशन की लॉस होगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी थिन शॉर्ट फैट में। क्या रेशियो है इनका? 2:2:1, 14,216, 14,216, 7,108। ठीक है, अब आगे बढ़ें। फैट ने कहा कि हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं पैसे में, तो जो रियलाइजेशन की लॉस है वो पार्टनर्स को लेके आना होता है। तो बाय बैंक, वन फोर टू वन सिक्स,
ये 14216 ये लेके आ गए। अब देखिए फैट में डेफिशिएंसी कितनी हो रही है। फैट के अकाउंट में डेबिट करेंगे तो ये आ रहा 21608 20,000 रुपये हमारे पास कैपिटल बैलेंस है, यानी कि 1608 रुपये की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, आप लिखेंगे फैट की जो डेफिशिएंसी है 1608 रुपये, सेल बी वॉर्न बाय थिन एंड शॉर्ट इन देयर कैपिटल रेशियो, क्वेश्चन में फिक्स दे रखा है, दैट इज 4:3। तो एंट्री होगी थिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फैट कैपिटल अकाउंट। ये 1608 है तो ये आएगी हमारी 990 and 618। ठीक है, 4:3 गलत बोल दिया मैंने, 80 और 50 है ना इनकी रेशियो, तो ठीक किया मैंने, 8:5। ठीक है, 8:5 में उठेगी। इसकी पोस्टिंग कर दें आप। सो बाय थिन कैपिटल, बाय शॉर्ट कैपिटल 990 618 टू फैट कैपिटल, इसके बाद बैलेंस निकालें और देखें कितना हो रहा है। सो इस तरफ का टोटल आएगा 1,09,000, 1,23,000, 123,916, 1,08,710, इस तरफ का टोटल आएगा 65,516, 65,516, 60582। ठीक है, आएगा। सो ये जो बैलेंस है ये आप पे कर दें, बाय थिन कैपिटल अकाउंट, बाय शॉर्ट कैपिटल अकाउंट। थ्री जीरो टू 872। ठीक है, 302 872, ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हमने किया, आपने भी समझा, इसमें सिर्फ प्लेन कॉन्सेप्ट अप्लाई होने थे। आई होप क्लियर है पूरा क्वेश्चन। थैंक यू।